इसलिए जैसा अन्न, कल मुझे नेहरू भैया ने बताया कि बच्चे स्वयं अपनी रोटी बनाते हैं। कौन कौन रोटी की सेवा में जाते हैं? हाँ बहुत अच्छा, साधु साधु। और साथ में ये भी बताया कि रविवार के दिन आश्रम की सफाई में जाते हैं, आश्रम की सेवा में जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी दिनचर्या को ऐसे ही रखें, और गुरु शरण में आए हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आपको आखिरी बार बताकर पूरा करूँगी कि मैं 6-7 साल की थी और स्कूल जा रही थी, तब ये पीछे वाले बैग नहीं होते, ऐसे वाले बैग होते, तो मेरे से ना उठता नहीं था। तो मैं साथ वाली सहेली को बोलती थी कि तुम मेरा बैग ले लो ना, तो मुझसे कहती थी तुम्हारा बैग क्यों नहीं उठता है तुमसे, तो मेरे से नहीं, मुझे दम लगता था बहुत। फिर एक दिन 7 साल की होंगी तो मैं आई, तो स्कूल से मेरे नाक में से खून आ गया। मैंने माँ को बताया कि नाक से खून आया है, तो उनको लगा कि मेरे को गर्मी चढ़ गई, सिर पे पानी डाला मेरे को, ठंडा ठंडा खिलाया पिलाया। लेकिन 2 दिन बाद फिर आया, उनको तब भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मेरे मुँह से खून आ गया, फिर उनको डर लग गया कि गड़बड़ है। फिर वो मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने बताया कि बच्ची का जो वॉल है, हार्ट में कितने वॉल होते हैं, तो उन्होंने बताया पहला और दूसरा नंबर आपस में चिपक गए, और जो खून अंदर जाके घूमना चाहिए वो अंदर जाने की जगह क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये बच्ची को तो आपको ऑपरेशन कराना। तो मेरे पिताजी आए और उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची बहुत लंबी नहीं जिएगी, 20-25 साल निकाल लेंगे ये लोग। मेरे पिताजी ने कहा इतना भी जिएगी तो अच्छा है। तो मेरे जीवन में ऐसा एकदम उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इतनी गुरु कृपा कि हम लोग 9th-10th पढ़ते थे और हमको स्कूल से पंडाल में ले गए, वहाँ कौन पधारे थे, और छोटी छोटी टीवियाँ लगी थी पूरे पंडाल में। हमने स्वामी जी को बिल्कुल दर्शन तो नहीं किए पर उसी पे देखा। फिर हमको एक एक कॉपी दी, स्टीकर मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कुछ समझ में नहीं आया, 9th में क्या समझ में आता, सत्संग तो पता नहीं था, लेकिन वो कीर्तन बापू जी करवा रहे थे ना, मधुर मधुर नाम, बहुत समझ में आया। उसमें हम बच्चों ने खूब आनंद लिया, कीर्तन किया, और घर जाके हमने बताया कि ऐसे बहुत बड़े संत आए हैं। तो शाम को हम लोग फिर सत्संग लिए और फिर रंग लग गए, फिर सरस्वती मंत्र लिया, फिर गुरु मंत्र लिया, और एक दिन बापू जी ने कृपा बरसाई और पूछा क्या चाहिए, तो जो मेरी समझ में था मैंने मांगा। गुरु जी बहुत खुश हो गए जब मैंने बोला कि बापू जी मुझे ब्रह्मचारी रहना है, तो गुरु जी मुझे धीरे से पूछे तुमको इसका मतलब पता है क्या। तब मैं 12वीं पढ़ती थी, मैंने कहा बापू जी पता है, पता तो था नहीं पर तो भी बोला हाँ पता है। तो गुरु जी ने कहा बोल इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा बापू कभी गलती से भी शादी नहीं करना। तो बहुत खुश हो गए, कहा इसका मतलब यही होता है। मैंने कहा जी इसका मतलब यही होता है। तो कहा तुमको नहीं करनी है। मैंने करनी है, क्या करना है। मैंने कहा जो आप कहोगे। इस बात पे तो बहुत खुश हो गए, कहा जो मैं कहूँगा। मैंने कह दी, तो बोले रहो अनुष्ठान का। फिर अनुष्ठान करवाया, मौन मंदिर करवाया, लेकिन मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, 3 साल और पढ़ाए मेरे को। फिर ग्रेजुएशन करके फिर मैंने अपने पिताजी को बोल दिया कि मेरे पास उम्र ज़्यादा नहीं है और मैं गृहस्थ में नहीं जाना चाहती, मेरे को जो जीवन है मेरे को सेवा करके गुरु चरणों में रखिए। फिर वो भी राजी हो गए। कुल मिलाकर बापू जी ने मेरे सिर पर क्या रखा, हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, गुरु मंत्र दिया, सारस्वती मंत्र दिया, आरोग्य मंत्र दिया, और जो तो गाड़ी 25 और 12 समझो बस 40 साल तक चले, 35 साल तक चले ज़्यादा से ज़्यादा, तो आज मैं आपके सामने 50 साल की बैठी। गुरु कृपा नहीं है तो और पीछे 2 महीने पहले भी बहुत बीमार पड़ गई, तब भी डॉक्टर बहुत हैरान थे, मुंबई गई मैं, उन्होंने रिपोर्ट देखकर बोला कि बहुत अच्छा, अगर ऐसे चल रही हैं तो चलने दो। तो मुझे पूछा कितने साल निकाले हैं, मैंने कहा 40 निकाले हैं, तो हंस पड़े, बहुत बड़े डॉक्टर, बोला 40 साल अगर आपने गुरु कृपा से निकाले हैं तो इसका आधा और निकाल लो, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जीकर भी क्या करोगे। तो मैंने कहा इतना तो मेरे गुरुदेव निकाल लेंगे। तो मैंने बापू को बताया, डॉक्टर ऐसा बोल रहा था कि 40 को निकाल ही लें, इसका आधा गुरु जी को बोलो और निकाल दो। गुरु जी बोले आधा क्यों, और पूरा निकाल लेंगे, इसमें क्या।
तो वो समर्थ सतगुरु है ना। आपको मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप भाग्यशाली, आप वास्तव में भाग्यशाली। जिस दिन आपको समझ आएगी ना कि मेरा भाग्य कैसा है, आपको गर्व हो जाएगा कि मैंने पढ़ाई किसी साधारण लोगों के साथ नहीं, मैंने पढ़ाई किसी साधारण स्थान पर नहीं। मैं गुरुदेव के द्वार का, गुरुदेव के गुरुकुल का मैं विद्यार्थी हूँ। और बापू जी विद्यार्थियों को देखते हैं ना तो आनंद आनंद बापू की कृपा चलती। इसलिए गुरुकुल इतने सारे जो चलाए जा रहे हैं वो बापू जी की प्रसन्नता आप लोगों को देखकर कि इनका आगे का भविष्य क्या बने। इतने सालों से इतने गुरुकुल चल रहे हैं, इसमें कितने विद्यार्थी पास होकर गए हैं और वो बड़े बड़े पदों पर आए हैं। और जब बड़े बड़े पदों पर आकर उन्होंने गर्व से कहा है कि हम आज इस स्थान पर आए हैं, तो उसका श्रेय जाता है परम पूज्य। कल भी एक संत का बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने बहुत गर्व से बहुत अच्छा भागवत कथाकार है और कथा करते करते उन्होंने कहा कि आज दुनिया मना तो रही है तुलसी पूजन दिवस, आज सब लोग मातृ पितृ पूजन मना तो रहे हो और भविष्य में ये भारतीय दिवस घोषित होंगे, लेकिन जब घोषित होंगे ना तब भूलना मत इसकी नींव किसी ने रखी है तो परम पूज्य। बहुत अच्छा वीडियो है, मैं आपको गुरुकुल में भेजती हूँ, देख लीजिए। तो ऐसे स्थान पर आप रहे हैं तो अंतर्मुख होके रहिए। अगर सुबह बात करने की इच्छा नहीं मौन रखिए, शाम को भी एक घंटा फ्री है तो फिर क्या रखेंगे, जितना दिया जलेगा उतना तेल।